अब देखिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को और एग्जांपल करते हैं। आज की वीडियो में आपका मैं आपको स्वागत करता हूं, कौशल कुमार शर्मा। सिंप्लीफिकेशन जो मैथ का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और एग्जांपल करने थे इसके अंदर। देखिए ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, 847 और 242 दो नंबर है। इसको ए माना और इसको मैंने बी माना। ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया और ये भी ए हो गया और ये भी बी हो गया। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर किया जाए। ए प्लस बी का अगर स्क्वायर किया मैंने, प्लस लिखा और ए माइनस बी का स्क्वायर किया बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। इस चीज का अगर मैं ओपन करूं तो यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस वाले 2ab की जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस माइनस होने पर। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये ब्रैकेट में बंद किया, दो कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टर्म बच गई। इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास 2 बचा, ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए का मतलब है 297, बी का मतलब सॉरी 997, बी का मतलब 998, सी का मतलब है 999। ये आपको दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बटे में ए प्लस बी सी। इसका आप सॉल्यूशन बताइए, मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद किया और इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटे में ए प्लस बी प्लस सी लिखा। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई पूरी। अब देखना इस टर्म को लिखने के लिए मैं ऊपर नीचे इस टर्म में 2 से गुणा कर दूं। अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर 1/2 मैंने लिया ब्रैकेट से बाहर, देखिए फिर ए स्क्वायर लिखा और यहाँ अगर ये हो गया 2a, ए स्क्वायर लिखा और इसको भी ए स्क्वायर लिखा और फिर मैंने लिखा इन सबको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca माइनस abbc और 2bc ये लिखा मैंने, ये ब्रैकेट बंद। अब देखना इसके बाद आप 1/2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जो टर्म है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म मिलके ये माइनस 2ab, ये आपके पास आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों इन तीनों को मिलाने पे ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2ca हो गया। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ए और सी का जो डिफरेंस है मेरे पास गिवन है, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर अगली टर्म है ये बी स्क्वायर, मेरे पास एक बच गया, बी स्क्वायर एक बच गया और एक बच गया सी स्क्वायर, और ये टर्म इसकी बच गई माइनस 2bc। इसको लिख सकता हूँ बी माइनस सी का स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू 1/2 बार ए माइनस बी, ए को माइनस बी किया, 997 माइनस 998 माइनस का 1 का स्क्वायर बचा। इसके बाद आपने ए माइनस सी किया तो माइनस के 2 बच गए आपके, 2 का इस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस। फिर आपने सी बी माइनस सी किया, बी माइनस सी तब भी आपके पास माइनस का 1 बच गया। 1/2 ये 1 + 4 + 1 = 6/2 = ये 3 आ गया, आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। ये इसकी वैल्यू मेरे पास 3 आई, ये है 3 जो भी वैल्यू आई, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। P = 124
और तीन ये घनमूल है पी क्यू प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस वन। इस चीज को मैं घनमूल वाली चीज को इस टाइप से लिख सकता हूँ पी की क्यूब प्लस थ्री पी कॉमन लिया पी प्लस वन और ये ब्रैकेट वन। इस टाइप से इन दोनों में कॉमन लिया थ्री पी और पी बच गया और इसमें वन बच गया और ये प्लस वन हो गया। इसका मतलब आप फॉर्मूला आपने जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए प्लस बी की जो क्यूब होती है इस क्यूब इसका मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस चीज का मतलब ये होता है बात करते हैं देखो ये थ्री अंडर रूट के अंदर और ये हो गया पी प्लस वन का होल क्यूब। पी की वैल्यू है 124 प्लस वन का होल क्यूब ये आ गया थ्री और ये आ गया आपके पास 125 का होल क्यूब। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आया 125 125। ये एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। ये तीनों एग्जांपल हर एग्जाम में कम से कम दो या तीन बार से ज्यादा पूछे गए हैं। इस टाइप के एग्जांपल बहुत आते हैं एग्जाम में बैंकिंग और एसएससी और रेलवे और सीडीएस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू अंडर रूट टू गिवन है अपन को ये डेटा और x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वन और x माइनस वन अपॉन x। अब देखिए आप 2 इंटू अंडर रूट टू आपको दिया गया है तो आप सबसे पहले x माइनस वन अपॉन x निकालने के लिए x इस चीज को लिख सकते हो x प्लस वन अपॉन x को ब्रैकेट में अगर इसको सबसे पहले सोल्व करना हो तो माइनस फोर लिखना होगा आपको। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए x माइनस वन अपॉन x का स्क्वायर की वैल्यू निकल रही मेरे पास ये मेरे पास गिवन है प्लस वाली वैल्यू टू अंडर टू इसको लिख सकता हूँ एट इसका स्क्वायर किया माइनस फोर और ये पूरे का ब्रैकेट और मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई दो। इसकी वैल्यू दो अंडर रूट दो है और इसकी वैल्यू ओनली दो आई और दोनों को गुणा किया गया तो फोर अंडर रूट टू मेरा फाइनल आंसर निकल गया। इसका मतलब आप अगर प्लस दिया होता है प्लस दिया हो देखो माइनस यहाँ दिया हो तो आगे माइनस आएगा अगर प्लस दिया होता तो आगे प्लस आता। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। देखिए इसके अंदर से ये निकालना आपको x माइनस वन अपॉन x ये स्क्वायर हुआ और x प्लस वन अपॉन x का स्क्वायर माइनस फोर। अगर ये माइनस है तो ये माइनस का फोर आएगा अगर ये प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस का फोर हो जाएगा। देखिए x माइनस वन अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x छक का स्क्वायर माइनस फोर। 36 माइनस फोर करने पर आंसर आया आपके 32। अब इस चीज को अगर आपको क्लेरिफाई करूं तो x माइनस वन अपॉन x अंडर रूट 32 अंडर रूट 32 का मतलब होता है चार अंडर रूट दो। इसके बाद ये वैल्यू निकाल लो आप x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू फाइव। अब देखो इसको सोल्व किया
सेवन और ये आ गया थ्री एक्स प्लस वन थ्री अपॉन एक्स माइनस एट। इस चीज में अगर मैं थ्री कॉमन ले लूं तो इस चीज को लिख सकता हूं वन अपॉन एक्स। देखो इस सेवन है फिर ये थ्री और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है फाइव लिखा और इसके बाद माइनस का आप एट लिखो। देखिए आपने ये एट लिखा इसकी वैल्यू आ गई सेवन अपॉन फिफ्टीन अपॉन माइनस एट इक्वल टू हो गई सेवन अपॉन सेवन इक्वल टू आपका वन जो निकला ये फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार के आप ट्यूशन सोल्व करते रहिए, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। हेलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जानवरों के। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, जानवरों के एक समूह में कुछ गाय है और कुछ कबूतर है, कुछ गाय है और कुछ कबूतर है जिनके सिरों की संख्या 142 है, सिरों की संख्या और पैरों की संख्या 392 है, तो बताइए गायों की संख्या कितनी होगी। अगर चार पैरों के जानवरों की संख्या निकालनी हो, चार पैरों के जानवर की संख्या तो आप सबसे पहले इसके अंदर पैरों की संख्या टोटल कुल पैरों की संख्या बटे दो माइनस सिरों की संख्या देखिए कुल पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या। इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये एग्जांपल जो गिवन है तो इसके अंदर कुल पैरों की संख्या है मेरे पास 392 बटे में दो माइनस सिरों की संख्या 142। अब देखिए 392 का हाफ किया 196 माइनस 142 तो इसको माइनस किया गया तो आपके बचे 54। 54 गाय हो गई, 54 गाय है और 142 में से अगर घटा दोगे 142 में से 54 अगर घटाए जाए तो मेरे पास बचेंगे 88 कबूतर हो जाएंगे। बात कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में, दो मित्रों के पास कुछ धन है, ए बी को 30 रुपए दे तो बी के पास ए से दुगुना धन होगा। अगर ए है बी को 30 रुपए दे, ए माइनस 30 प्लस 30 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब हो गया 2a माइनस 60 इक्वल टू बी प्लस 30 इक्वल टू 2a माइनस बी इक्वल टू 90। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बात है b के पास a से दुगुना धन होगा, ये यहां तक क्लियर हो गए। b a को 10 दे, अगर B है वो A को 10 रुपए दे दे तो A के पास तिगुना धन होगा तो A और B हो जाएगा, तो प्रत्येक के पास धन ज्ञात कीजिए। तो A प्लस 30 बटे B माइनस 30 इक्वल टू 3y1 सॉरी A प्लस 10 बट इक्वल टू 3b माइनस 30 a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 40। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप 2a माइनस b लिखा है, 2a माइनस b इक्वल टू 90 और a माइनस
3b इक्वल टू माइनस 40। अब देखिए आपको a की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो, तो आपकी ये तो हो जाएगा माइनस करने पे कैंसिल, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी आपकी माइनस b है, तो ये आपका रहेगा 5b और ये माइनस के 80 और ये प्लस के 10 है, सॉरी 90 है, तो घटाएंगे तो 10 बचे, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है, इसमें b की वैल्यू 2 आ ही नहीं सकती। देखो a प्लस 10 है b माइनस, ये देखिए कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। a प्लस 10 और ये हो गया b माइनस 30, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं ये इन दोनों इक्वेशन में से ही, ये देखिए इसमें माइनस 60 यहाँ गया 90, a माइनस 3b, a प्लस बी ये इधर गया माइनस 40, ये 3b। हाँ देखिए आप क्या करोगे, ये सही था जो लिखा था मैंने, 2a माइनस बी इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 80, इसको इसमें से घटाया तो ये प्लस, ये प्लस, जबकि मैंने यहाँ तो लिख दिया था 5b और इक्वल टू में ये ऐड होएंगे 170। बी की वैल्यू आ गई 34, बी की वैल्यू 34 निकल गई मेरे पास। अब मैं अगर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ पहले वाले इक्वेशन में, 2a इक्वल 90 प्लस 34 दोनों मिलके हो गए 124। ये एक चाहिए तो 2 से भाग दिया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 62। 62 और इसकी 34, ए और बी की वैल्यू निकल गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ये है किसी वर्ग में कुछ विद्यार्थी है तथा प्रत्येक को कुछ मिठाई दी जाती है, यदि 175 विद्यार्थी के स्थान पर 35 कम विद्यार्थी हो तो प्रत्येक को 8 अधिक मिठाई मिली। माना कुल मिठाई और प्रत्येक को मिठाई x बांटी गई, प्रत्येक विद्यार्थी की मिठाई इसको माना x, 175 विद्यार्थियों में मिठाई बांटी गई। अब बोल रहे हैं कि 35 कम विद्यार्थी होते तो 8 मिठाई अधिक आती, ये लो 35 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 35 होकर 140 होते हैं, इसको काटा तो ये आ गए 4, इसको काटा तो 5 आ गए, ये हो गए आपके 5x इक्वल टू 4x प्लस 32, x बराबर आ गए 32। तो कुल मिठाई की संख्या मेरे को बतानी है, तो कुल मिठाई 175 को अगर आप 32 से गुणा कर दोगे तो कुल मिठाइयों की संख्या आ जाएगी। 32 की टेबल 5 बार बोलते हैं तो 160 16 बच गए, 32 की टेबल अगर 7 बार बोलोगे तो आपके पास आएंगे 214, 214 में 16 ऐड कर दो फिर आपके पास हो गए 230, तो 1023 रह गए, 32 में 23 अगर ऐड किए जाए तो मेरे पास जो संख्या बचेगी वो 56। ये लो ये आ गया था, दो सौ छप्पन टोटल मिठाई हो गई, ये मेरे पास फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दे रखा है, आगे एक इक्वेशन दी है इस इक्वेशन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इस चीज को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स बराबर वन आ गई वैल्यू मेरे पास। अगर इक्वेशन में वैल्यू रखता हूँ तो पहले वन की पावर सिक्स प्लस फाइव इंटू वन की पावर फाइव प्लस थ्री इंटू वन की पावर दो माइनस सेवन इंटू वन की पावर प्लस टू, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ये वन प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन प्लस टू ये कैंसिल हो गई, वन और टू एक प्लस में है और ये थ्री, तो दोनों मिलके हो गए पाँच। सॉरी देखिए एक मिस्टेक छोटी हो रही है इसमें, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो वन प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस सेवन प्लस टू, इनको ऐड किया एक और पाँच छः हो गए, छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह माइनस सात करने पर मेरे पास चार आंसर बचे, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे बराबर कंटिन्यू। थैंक यू, दैट्स ऑल।